दोस्तों आज जो कॉमिक से हम पढ़ेंगे उसका नाम है चुंबा का चक्रव्यूह। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक है, तो पढ़ते हैं इसको। बहुत ही जबरदस्त कॉमिक है ये चुंबा का चक्रव्यूह। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियों को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए भी करता है और विनाश के लिए भी। चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना संभव है सुपर कमांडो ध्रुव। अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुझको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चुंबा, खास तौर से तब जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हुई हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज नहीं है और इस वक्त इनके खौफनाक साय के चपेट में है इंडियन मिसाइल सेंटर का एक अफसर गोपालन। टैक्सी, और इस समय तो खाली टैक्सी मिल ही नहीं रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर हालत में 12 बजे तक वहां पहुंचना ही है, वरना वे लोग शांता को नहीं नहीं सुनसान सड़कों पर भागते हुए और शॉर्टकट ढूंढते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के पुराने और उजाड़ रेस्ट हाउस तक पहुंच गया। रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सामने कई दरवाजे थे, पर गोपालन को मालूम था कि उसकी मंजिल किसी दरवाजे के पीछे है। आओ ऑफिसर, तुम पूरे 33 सेकंड देर से आए हो। आई एम सॉरी चुंबा, टैक्सी नहीं मिली। गड़प लाओ, वह मिनी न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उसको मैं नहीं ला पाया। मेरे उठाने से पहले उसको मिसाइल में फिट करने के लिए लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका था। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के साथ रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम इंजन लगा होगा ताकि रेलगाड़ी एक मामूली सी मालगाड़ी लगे। बस तुम्हारा काम खत्म हो गया जासूस, पर शांता मेरी पत्नी गड़प यह क्या है? तभी एक गार्ड और चिपचिपे गोल ने गोपालन को नहला दिया। ये लोहे के बुरादे का गोंद में बना गोल है अफसर, हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहां पर तुम्हारी पत्नी पहले से ही मौजूद है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चरड़। गोपालन के दोनों तरफ खड़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबक गोपालन के शरीर को दोनों तरफ से खींचने लगे। चुंबकों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। कड़कड़ और हाड़मास का नाजुक शरीर यह भयंकर खिंचाव नहीं सह पाया। चढ़ाओ, इसकी लाश के दोनों टुकड़े उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां इसकी लाश को कुत्तों और गिद्धों के अलावा और कोई न खा देख पाए। चुंबा अपने पीछे भी कोई सबूत नहीं छोड़ना नहीं चाहता। अभी इस न्यूक्लियर पावर बैटरी को भी मुझे हासिल करना है और फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। इसके बाद चुंबा वैसी न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को दर्जनों ऐसे देशों को बेचेगा जिसको पाने के लिए वे बेकरार हैं, और मेरा अभियान कल से शुरू हो जाएगा। चुंबा का शरीर चुंबक के कणों में बदलकर तारों में समा गया। और अगले दिन, ओह बोल श्वेता, शर्त लगाती है? चलो लगी शक। कैसी शर्त भाई? हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, घोड़ों की रेस देखने नहीं। रेस की तो बात है भैया, नताशा का कहना कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस में नहीं जीत सकती, पर मैं कहता हूँ कि जीत सकती है। लेकिन यह रेस करने के लिए जगह ही कहाँ है? रेल लाइन के दोनों तरफ तो सिर्फ उबड़ खाबड़ और गड्ढेदार मैदान है, इसीलिए तो शर्त लगी है ध्रुव। अगर सपाट सड़क हो तो तुम ऐसी दर्जनों रेलगाड़ी हो तुरंत पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा क्या तो फिर हो जाए। रामकोटा स्टेशन हम लोगों की फिनिश लाइन होगा, हम दोनों वैन से सड़क के रास्ते वहीं पर पहुंचो। चल मेरी बाइक, आज अपनी इज्जत का सवाल है। रूम परंतु ध्रुव यह नहीं जानता था कि किस्मत उसको उसी रेलगाड़ी के साथ रेस करने के लिए मजबूर कर रही है जो एक अत्यंत गुप्त वस्तु को लेकर रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक जा रही है। वह यह भी नहीं जानता था कि यह रेलगाड़ी रामकोटा स्टेशन तक कभी नहीं पहुंचेगी। नताशा और श्वेता की शर्त से मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल गया।
वरना इन सब कामों के लिए तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती है। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल उबड़ खाबड़ रास्तों और पुलों को पार करती हुई ट्रेन को पीछे छोड़ने ही वाली थी कि तभी, ओह वह बच्ची नदी में डूब रही है, मुझे पहले उसको बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं उसके बाद भी आराम से पीछे छोड़ दूंगा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को नदी की तरफ मोड़ दिया और धुआं उगलती मालगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जिस रास्ते पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था चुंबा, ट्रेन आ रही है, अब इसको अब सबसे पहले काम इसे रोकना है। चुंबा ने दोनों पटरियों को हाथों से पकड़ा और पटरियों में एक तेज चुंबकीय शक्ति दौड़ गई। चुंबक बन गई रेल के पहियों को, वहीं रोक दिया। अरे यह ट्रेन कैसे रुक गई? ची, मैंने ब्रेक तो लगाई नहीं, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, आखिर यह ट्रेन रुकी कैसे? इसको मैंने रोका कीड़ो, चुंबा सम्राट ने, और अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे दिलों की धड़कने भी रोक दूंगा। और पास ही में, अब बगैर किसी बड़े को साथ लाए नदी में नहाने कभी मत जाना, समझी प्यारी गुड़िया? समझ गए भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। हा हा हा, बच्चे और उनकी प्यारी बातें। पर इतनी देर में ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है, लगता है कि नताशा शर्त जीत ही जाएगी। पर ट्रेन तो फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। हम मामूली ड्राइवर और फोरमैन नहीं है चुंबा, हम आर्मी सीक्रेट कोर के जवान है। हाथ ऊपर उठा लो और यह बताओ कि तुमको इस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खो? पटाक सड़क। खैर मैं तुम लोगों को एक चेतावनी तो दे ही चुका हूं। चुंबा के आखिरी उंगलियों से दो किरणें निकलकर दोनों जवानों से टकराई और जवानों के शरीर में भी चुंबक की लहर दौड़ गई और दोनों के शरीर पहले ही से चुंबक बनी पटरियों से जा चिपके। मेरा मैग्नेटिक स्कैनर बता रहा कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डिब्बे में है। कड़कड़म, डिब्बे की बॉडी और दरवाजा तो बहुत मजबूत लोहे का बना लगता है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने यह नहीं टिक पाएगा। कड़ाक, दरवाजे के टूटने के साथ साथ डिब्बे से बाहर कूदने लगे आर्मी कमांडो कोर के जांबाज सैनिक, जिनको बैटरी की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। बहुत नाटक हो गया, अपने आप को हमारे वाले कर दो वरना मेरे किसारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल पड़ेंगी। गोलियां? हा हा हा, चुंबा सम्राट को गोलियों की धमकी? अगर अपने अपने बीवी बच्चों को यतीम बनाना नहीं चाहते हो तो दुम दबाकर भाग लो, चुंबा तो काम पूरा करके ही जाएगा। तर तर तर, ये ऐसे नहीं मानेगा। फायर, गोलियों की घनी बौछार चुंबा को छलनी कर देने के लिए आगे लपकी, पर तभी चुंबा के हाथ से एक शक्तिशाली चुंबक छड़ निकली। वो चुंबा की तरफ बढ़ती गोलियां अपना रास्ता बदलकर चुंबक से जा चिपकी। अब चुंबा की बारी है, तुम लोगों ने अपना वार कर लिया। क्रोधित चुंबा के दस्तानों से अर्ध चंद्राकार चुंबकों की एक बौछार निकली, शट शट, और सारे सैनिक डिब्बों से जा चिपके। अरे ये तो शक्तिशाली चुंबक के टुकड़े हैं और इन्होंने हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया है, मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी इसे छूट नहीं पा रहा हूं। अब तो तुम लोग समझ गए ना कि मैं कितना रहम दिल हूं, मुझे तुम लोगों की जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ यह न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए और मैं तुमको इसे नहीं ले जाने दूंगा। सुपर कमांडो ध्रुव, लगता कि मैं काफी पॉपुलर हो गया हूं, काफी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तो तुम समझते हो कि तुम चुंबा को रोक सकते हो, पर यह तुम्हारी भूल है। चुंबा के चुंबकीय वारों की झड़ी के बीच से बसता हुआ ध्रुव चुंबा के हाथ तक जा पहुंचा। तड़ाक, मेरी बैटरी, जहां पर मैं तुमको भेजने वाला हूं उस जेल में तुमको इस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुंबा, तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, यह मैं जानता हूं, इसीलिए मैं तुमको ज्यादा हाथ पांव चलाने नहीं दूंगा। वो इसने मुझे सैनिकों की तरह ही इंजन से जकड़ दिया है, अब मेरा रास्ता साफ है। इस दुष्ट लड़के ने बैटरी को लात मारकर न जाने कहां पर गिरा दिया है, इन झाड़ियों और गड्ढों में तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा।
ये बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इनसे आजाद हो पाना संभव लगता है। और उसी वक्त नताशा कुछ गड़बड़ है, उस जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया है। मैं जोकर से निपटती हूँ, तुम ध्रुव की मदद करो। पर यह बात याद रखना कि इस वक्त तुम चंडिका नहीं श्वेता हो। और श्वेता तू यहाँ पर क्यों आ गई? भाग यहाँ से, पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे थे। तुमको यह रेस ट्रेन पर चढ़कर थोड़े ही जीतनी थी। मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़े उम्र, मुझे तो इन चुंबकों ने इंजन से चिपका दिया है और मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा हूं। अगर ऐसा है तो मान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह ले। चुंबकीय शक्ति की दुश्मन होती है उष्मा, यानी गर्मी। अब अगर मैं इसी इंजन के अंदर से एक देखता कोयला लेकर चुंबकों से सटा दूं, तो यह देखती आग चुंबकों की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देगी। अरे वाह, तेरे सिर के गोबर में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। दूसरी तरफ, क्या ढूंढ रहे हो जोकर? कुछ खो गया है क्या जोकर? मैं चुंबा सम्राट जोकर, तेरी बदतमीजी माफ करने लायक तो नहीं है लड़की, पर अगर तू यह बैटरी चुपचाप मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे माफ भी कर सकता हूं। और अगर चुपचाप न दूं तो मैं यह बैटरी तेरी लाश के हाथों से ले जाऊंगा। शट, वो सम्राट तो नाराज हो गए। नताशा अपनी तरफ बढ़ते खतरे को भांप कर एक तरफ लपकी, लेकिन लोहे की लचीली छड़ ने उसको बचने नहीं दिया। खटाक, कुछ समझने से पहले ही नताशा चुंबा की गिरफ्त में थी। हाहा, बैटरी तो मुझे मिल ही गई, और अब मेरा एक ही मैग्नेटिक ब्लास्ट तेरे बदन को धूल में मिला देगा। इसी क्षण वो नताशा बगैर सोचे समझे चुंबा से उलझ गई है। वो चुंबा उसे खत्म कर देने को उतारू है। इतनी दूर से मैं समय रहते चुंबा तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। वाह वाह वाह, ध्रुव के गले से एक आवाज निकली और खेत जोत रहा एक बैल अपने बंधन तोड़ाकर चुंबा की तरफ लपका। वाह, टक्कर भीषण थी, धड़ाक। आओ, यह मनुष्य जानवर अब पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट से मैं इसी पर कट। अरे मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं, इस टक्कर से जरूर को नाजुक पुर्जा टूट गया है। और अरे ध्रुव आजाद हो गया और वह मेरी तरफ आ रहा है। अब यहां से खाली हाथ भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले पल चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलने लगा। तूने मेरी योजना पर पानी फेरा ध्रुव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने क्रियाक्रम का अंजाम कर लेना। और देखते देखते चुंबा का चुंबकीय कणों में बदला शरीर टेलीफोन के तारों में समा गया। यह तो मेरा भी गुरु लगता है, आदमी खतरनाक है, और इसकी धमकी भी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो, पर हमने कम से कम इसको यह बैटरी तो नहीं ले जाने दी। आखिर यह सब चक्कर क्या है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ध्रुव को जल्दी सैनिकों ने सारी स्थिति समझा दी। और फिर रामकोटा में, तुमने आज हमारी बरसों की कड़ी मेहनत को बचा लिया ध्रुव। दुनिया के कई देश हमारे इस आविष्कार के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। चुंबा जरूर ऐसे किसी दुश्मन देश का एजेंट होगा, पर सवाल यह है कि उसको इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला? जाहिर आपके भेदीय मिसाइल सेंटर में भी फैले हुए हैं। असंभव, मुझे अपने हर कर्मचारी की वफादारी का पूरा भरोसा है। आदमी को गद्दारी के लिए मजबूर करने के लिए कई तरीके हैं राव साहब, मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज हम त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उस मिसाइल की टेस्टिंग यह बैटरी लगाने के बाद ही होनी थी, और बैटरी आने में इतनी देर हो गई है कि अब टेस्टिंग का समय गुजर चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए इस बैटरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। अब तक हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं ध्रुव, और कारण हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। हमारी 4 टेस्ट मिसाइलें अपना पूर्व निर्धारित रास्ता छोड़कर समुद्र में गिर चुकी हैं। कहीं इसके पीछे चुंबक का हाथ तो नहीं है राव साहब? असंभव, उड़ती मिसाइल का रास्ता बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाजत दीजिए सर, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मैं मिस्टर राव से एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आती हूँ। ठीक है नताशा, हम चलते हैं।
और वहां से दूर कहीं न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आकर निकल गई। उफ, मैंने इस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का यह कारखाना लगाया है। मेरे पास दर्जनों देशों के ऑर्डर मौजूद हैं। मेरे पास भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वे कई मिसाइलें भी मौजूद है जो उन्होंने टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी और जिनको मैं अपने चुंबे के जाल में फांस कर इस फैक्ट्री में ले आया। इनकी नकल करके हम मिसाइलें बना भी सकते हैं, पर उस बैटरी के बिना सब बेकार है, क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर वह बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरज रखिए सम्राट, हमारे जासूस को अगर अपने बेटे की जान पैरी है तो वह जल्दी ही हमें सूचना अवश्य भेजेगा। और दूसरी तरफ, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं मिस नताशा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया। अगर आप कुछ और जानना चाहती हो तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती है। ठीक है मिस्टर राव। नताशा के बाद निकलते ही, तुमने उस बैटरी को उसी गुप्त सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है ना शर्मा? जी यस सर, उसकी पूरी सुरक्षा बहुत जरूरी है शर्मा। हमारे देश के दुश्मन उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। ओफ, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि डॉक्टर राव मुझे पकड़ ही लेंगे। अब मुझे चुंबा के दिए गए ट्रांसमीटर पर यह गुप्त खबर चुंबा तक भेज देनी चाहिए। और पास में ही, अरे इंटरव्यू लेते लेते तो न्यूज सुनने का ध्यान ही नहीं रहा, पर अभी न्यूज खत्म होने में थोड़ा वक्त बचा है। कम से कम वॉकमैन पर हेडलाइनें तो सुनी ही जा सकती है। ओ, अब यह कम वक्त स्टेशन भी गायब हो गया। अब स्टेशन लगाने में ही 1 मिनट की न्यूज। अरे कड़कड़, हेलो चुंबा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांजिस्टर किसी का मैसेज पकड़ रहा है और इस मैसेज के दोनों इनाम मेरे जाने पहचाने हैं, शर्मा और चुंबा। यानी ध्रुव का कहना सही था और डॉक्टर राव का कहना गलत। चुंबा के भेदिये डॉक्टर राव के आसपास ही मौजूद हैं। और पूरा मैसेज सुनकर नताशा की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। और उसी रात मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन के डिपो में। हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। इस डिपो से आधा किलोमीटर के घेरे के अंदर आने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। डिपो की छत पर भी विमान भेदी तोपें लगी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को यह मालूम ही नहीं है कि बैटरी यहाँ पर रखी है। इसलिए आप निश्चिंत होकर, अरे जमीन क्यों, क्या हो रहा है, और अगले ही पल सारे की सारी सुरक्षा व्यवस्था दरी की दरी रह गई। कितने भी पहरे बिठा लो, ड्रिल मैन को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। धड़ाक, क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुंबा को वह न्यूक्लियर बैटरी चाहिए जो तुमने यहाँ पर छिपा कर रखी है। वो तो इसको यह गुप्त रहस्य मालूम है। भून डालो इसको। हा। चुंबा सम्राट और उनके सेवकों पर गोलियां बेअसर है मूर्खो। धोए धोड़ धोड़, मेरे शक्तिशाली चुंबक तुम्हारी सारी गोलियों को खींच लेंगे। लेकिन मेरी ड्रिल गन से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हवा में तेज से घूमती है शंकर ड्रिले अपने अलग अलग निशानों की तरफ लपकी और कई शरीरों को जगह जगह से छेदती हुई पार निकल गई। ड्रिल मैन के सामने साहसी सैनिक 5 मिनट भी नहीं ठहर सके। ये आओ, मेरी जानकारी के मुताबिक बैटरी स्ट्रॉन्ग रूम में रखी है। आह, तो इन लोगों ने इसमें बुलेट प्रूफ प्लास्टिक का दरवाजा लगा रखा है ताकि चुंबक की शक्ति इस पर असर न करे। पर ड्रिल मैन के पास चुंबकीय शक्तियों के अलावा 2 भीषण ड्रिले भी हैं सर, जो देखते देखते इस मजबूत दरवाजे के परखच्चे उड़ा देगी। कड़कड़, बैटरी इसी के अंदर रखी होगी और अब मेरा रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं। ओह धड़ाक, सुपर कमांडो ध्रुव, तुम स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम यह भी जानते होंगे कि मैं बदमाशों की बहुत पिटाई करता हूं। मेरा नाम ड्रिल मैन है बच्चे। अभी मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा कि
जितने छलनी में भी नहीं होते हैं। गुरु के लिए ऐसे हथियारों से बचना कसरत के अलावा और कुछ नहीं है। पिट कुछ और जबरदस्त हथियार लेकर आओ ड्रिलमैन। चुम्बा सम्राट ने ठीक ही कहा था, तू सचमुच बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारा वार तो मिलो दूर से निकल गया ड्रिलमैन। यह एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था छोकरे, इसने इस लोहे के खंभे को एक शक्तिशाली चुंबक बना दिया है, और यह शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी भी चीज को दूर से अपने पास खींच लेगा, जैसे तुम्हारी बेल्ट में लगा हुआ स्टार बकल। हवा में उठता हुआ ध्रुव का बदन लोहे के खंभे से जा चिपका और पलक झपकते ड्रिलमैन ध्रुव के सिर पर खड़ा था। पर इतनी ही देर में ध्रुव के फुर्तीले हाथ बेल्ट को अपने शरीर से अलग कर चुके थे। वह एक तरफ लपका और ड्रिल ने लोहे के खंभे को चूर चूर कर दिया, कड़ कड़ कड़। ड्रिलमैन की ड्रिले ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव के हाथों ने उनको बीच में ही रोक दिया। इनको ज्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं होगा, इसमें सांड जैसी ताकत है, और अगर ये ड्रिले मुझे छू भी गई तो मेरे पर खच्चे उठ जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जल्दी ही ढूंढना होगा। ध्रुव के हाथ बाहर की तरफ जोर लगा रहे थे और ड्रिलमैन के अंदर की तरफ, और ड्रिलमैन के हाथों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक ध्रुव अपने हाथों को ढीला छोड़कर फुर्ती से नीचे झुक गया। वो ध्रुव के हाथों का दबाव खत्म होते ही ड्रिलमैन के दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े, कड़कड़ कड़। वो दोनों ड्रिले आपस में टकरा गई, हवा में भीषण चिंगारियां उड़ी और एक ड्रिल ने दूसरी ड्रिल को नष्ट कर दिया। यह क्या हुआ, मेरी प्यारी ड्रिल टूट गई, और ऐसा करने के लिए मुझे तूने मजबूर किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गरुड़। ओह, अब यह न्यूक्लियर बैटरी के बारे में भूलकर मेरी जान लेने पर तुल गया है, और अब इसके बार और भी सटीक होते जा रहे हैं। मुझे जल्दी इसका हिसाब करना पड़ेगा, वरना इसकी ड्रिल मेरे बदन को सतिया छेद देंगी। यह संतुलित होकर ध्रुव गोदाम में रखे कुछ कंटेनरों पर जा गिरा। मुझे जल्दी उठना। अरे यह क्या है, ठोस रॉकेट ईंधन, अति ज्वलनशील, सावधानी से प्रयोग करें। सावधानी से ही प्रयोग करूंगा, यही कंटेनर ड्रिलमैन के जेल का वारंट बनेगा, परंतु पहले इसको थोड़ा सा मूर्ख बनाना पड़ेगा ताकि इसको सकने पड़ जाए। हा हा हा, मूर्ख लड़के जिसकी शक्तिशाली ड्रिल को स्टील की मोटी चादर भी रोक नहीं सकती, उसको तू इस मेज से रोकना चाहता है। कर तुमको तो मैं रोक कर ही रहूंगा ड्रिलमैन, चाहे मुझे अपना बचाव इस डिब्बे से करना पड़े। डिब्बा, हा हा, यह बेचारा तो मेरे ड्रिल की आवाज से चूर चूर हो जाएगा। तेजी से घूमती ड्रिल डिब्बे की मोटी चादर में धसती चली गई, और इस घर्षण से डिब्बे के अंदर भरे रॉकेट ईंधन का तापमान बढ़ने लगा। अच्छा, अब ड्रिल कंटेनर के अंदर फंस चुकी थी। बगैर कोई समय गवाए ध्रुव अपने स्थान से उछला और ड्रिलमैन पीठ पर एक जोरदार लात खाकर धड़क अपने हाथों खोदी गई कब्र में जा गिरा। अब तक रॉकेट इंजन का तापमान खतरनाक हद तक बढ़ चुका था, और अगले पल एक भीषण धमाका हुआ, पर नुकसान गड्ढे तक ही सीमित रहा। बड़ाम, ड्रिलमैन की ड्रिल ने ही उसको धराशायी कर दिया था। अब यह कम से कम 3 महीने तो अस्पताल में रहेगा, वो ठीक होने पर जेल की लंबी शहर को चला जाएगा पर चुम्बा का पता बताने के बाद। लेकिन ड्रिलमैन बस तो जाएगा ध्रुव, लेकिन अब उससे कुछ भी जान पाना संभव है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि सिर में गहरी चोट लगने से उसकी याददाश्त जाती रही है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी भी एक गवाह और मौजूद है, डॉक्टर राव का प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा। मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया है, चुम्बा ने मेरे इकलौते बेटे का स्कूल से अपहरण कर लिया है। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको बैटरी का पता नहीं बताया तो वह मेरे बेटे को मार डालेगा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि चुम्बा कौन है और कहाँ रहता है, और दूर कहीं ड्रिलमैन पकड़ा गया और वह भी ध्रुव के हाथों, यकीन नहीं होता। इस ध्रुव को अपने रास्ते से हटाए बगैर न्यूक्लियर बैटरी को हासिल करना असंभव है, पर सम्राट चुम्बा
उस शैतान को आप रास्ते से हटाएंगे कैसे? एक चक्रव्यूह बनाकर और ध्रुव को अपने चक्रव्यूह में बुलाकर यह अभिमन्यु वहीं पर मारा जाएगा, पर वह चक्रव्यूह में आएगा क्यों? आएगा, जरूर आएगा। अगर उसको अपनी बहन को बचाना होगा तो वह जरूर आएगा। तुम डायनामो को बुलाओ। अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम कर रही श्वेता अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर थी। आह, बड़ी देर के बाद घर खाली मिला है, अब अपना मन चाह काम करने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपने कल के अधूरे टेस्ट को पूरा किया जाए, उसके बाद अरे कड़ौक। तभी कमरे का दरवाजा एक कड़कड़ाहट के साथ टूटकर नीचे आ गिरा। सामने दिख रही आकृति सचमुच भयंकर थी। राम राम, यह तो किसी हॉरर फिल्म का भयानक कैरेक्टर लग रहा है। मुझे भी डरने की एक्टिंग करनी हो चाहिए। आप कौन है? मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया। मुझे तुम्हारे चुम्बांकल ने तुमको लेने के लिए भेजा है। वे तुमसे मिलने के लिए बेताब है। चुम्बा वही जिसने सुबह ट्रेन पर हमला किया था। तो फिर डरना कैंसिल, आओ। अगले पल हवा में उड़ता हुआ श्वेता का बदन डायनामो से टकराया और साथ ही साथ श्वेता को एक भयंकर झटका लगा। आय, पूरा बदन झनझना रहा है। यह आदमी तो चलता फिरता बिजली घर है। लगता है तू शांति से मेरे साथ नहीं चलेगी, तुझे बेहोश करना पड़ेगा। ऐसे है, मुझे तो बेहोश नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी लैब को तहस नहस कर देगा। इसको तो मैं 2 मिनट में ठिकाने नहीं। यह मुझे चुम्बा के पास ले जाना चाहता है और उसके पास तो मैं और ध्रुव खुद भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अच्छा ही होगा कि यह मेरा प्रण कर ले, पर उससे पहले मैं अभी अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लूं, क्योंकि यह लड़ाई श्वेता नहीं चंडिका लड़ेगी। श्वेता ने 2 रसायनों की बोतलों को जमीन पर पटक दिया, स्नॉक। वो रसायनों के आपस में मिलते ही एक घने धुएं के बादल ने डायनामो को घेर लिया। ऑफ, यह धुआं खोखो कुछ दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। और अब इसको रबर के पाइप से पकड़ करके इस कमरे में बंद कर दिया जाए। जब तक यह कमरे से बाहर निकलेगा उतनी देर में मैं इसके लिए तैयार हो चुकी होंगी। अरे, इस छोकरी ने मुझे बंद कर दिया है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे इलेक्ट्रिक बेल्ट बोल्ट की खड़खड़ाहट तो पत्थर तक को पिघला देती है। कोई भी दरवाजा या दीवार डायनामो का रास्ता नहीं रोक सकते। अब तुम उसे नहीं बच पाएगी लड़की। एक भी दूतरंग श्वेता की तरफ बढ़ी और श्वेता चीख कर गिर पड़ी। आई ओफ, आजकल की लड़कियां तो लड़कों के भी कान काटती हैं, पर जीत आखिरकार मेरी ही हुई। हा हा हा। और वहां से दूर, अब हमको न्यूक्लियर बैटरी लगाकर मिसाइल त्रिशूल का परीक्षण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। चुम्बा 2 बार नाकामयाब हो चुका है, हम उसके कामयाब होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा भी यही ख्याल है सर। अब मिसाइल छोड़ने की तैयारी जरूर कीजिए, पर मेरी योजना के अनुसार। और अगर मेरी योजना सफल हो गई तो न्यूक्लियर बैटरी भी बच जाएगी और चुम्बा भी पकड़ा जाएगा। इधर ध्रुव चुम्बा के लिए अपनी योजना बना रहा था और दूसरी तरफ चुम्बा ध्रुव के लिए अपना चक्रव्यूह। ध्रुव को खत्म करने के लिए मेरा चक्रव्यूह तैयार है, पर तुम तैयार हो या नहीं डायनामो? आप चिंता मत कीजिए सम्राट, चक्रव्यूह के पहले द्वार पर मैं मौजूद हूँ और इसी द्वार पर ध्रुव का खात्मा हो जाएगा। शाबाश डायनामो, ध्रुव को खत्म करने के बाद उस बैटरी को हासिल करना मामूली काम होगा। चुम्बा का शरीर फिर चुम्बक के कणों में बदलकर तारों में समा गया। ध्रुव को चक्रव्यूह में बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरे यह क्या, श्वेता की अंडरग्राउंड लैब का दरवाजा के टूट कैसे गया? अंदर गुस्से ध्रुव स्तब्ध रह गया। हे भगवान, यहाँ तो लगता है अभी अभी कोई बाउंडर आकर गया है। श्वेता भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी कमरे में रखा टेलीविजन अपने आप ऑन हो गया। क्लिक। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी प्यारी बहन श्वेता हमारे कब्जे में है। चुम्बा, अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो बगैर कोई वक्त खोए तुरंत राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचो अकेले। अगर किसी को भी साथ लाए तो तुमको वहां पर तुम्हारी बहन के एक नहीं बल्कि 2 टुकड़े मिलेंगे। ध्रुव बाहर जाने के लिए घुमा।
अब यह गुंडे श्वेता के जरिए मुझ पर वार करना चाहते हैं, ऐसा पहले भुजंग ने किया था और अब अरे टेबल पर यह चिट्ठी कैसी रखी है। चिट्ठी उठाते ध्रुव की काफी चिंताएं दूर हो गई। श्वेता की निगरानी में जा मैं कर रही हूं और पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते वक्त उसका दिमाग काफी निश्चिंत था। डायनमो बेताबी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, अभी तक वह छोकरा यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं? पर छोकरा वहां पहुंच चुका था। इस पेड़ की डाल मुझको चुपचाप गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचा देगी और इससे पहले कि चुम्बा मुझे ढूंढ पाए मैं श्वेता को ढूंढ लूंगा। पर यह कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में चुम्बा ने श्वेता को कहां पर रखा है? हर कमरे को चेक कर पाना तो नामुमकिन। तभी तेज रोशनियां जल उठी। आंखें बंद मत कर कमांडो, अपनी मौत को एक नजर देख तो लो। डायनमो अपने हर शिकार को यह मौका जरूर देता है। तो चुम्बा ने फिर अपना एक और जूनियर भेजा है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं आ गया हूँ डायनमो, अब तुम श्वेता को छोड़ दो। हम तुम्हारी लाश के साथ साथ उसकी लाश भी घर पहुंचा देंगे कमांडो। दोस्तों बड़ी कॉमिक से तो यहाँ पे मैं इसका पार्ट वन कर रहा हूँ, तो इससे आगे की जो स्टोरी होगी मैं पढ़ूंगा चुम्बा का चक्रव्यूह पार्ट टू में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जब मैं इसका पार्ट वन अपलोड करूंगा यूट्यूब पे उसके एक घंटे के बाद ही इसका पार्ट टू भी अपलोड कर दूंगा इसके साथ ही, ताकि आपको ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तो मिलते हैं चुम्बा का चक्रव्यूह पार्ट टू में।